तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है या नीचे की सिलाई खराब दे रही है या ऊपर की सिलाई खराब दे रही है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है आपकी मशीन में, तो बस एक सिर्फ एक काम करते रहें और एक ऑयल हम आपको बताएंगे, वो आप लगाते रहे तो आपकी मशीन में कभी वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कौन सा काम है और कैसे करना, सॉरी हवा ज्यादा चल रही है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो कौन सा काम है उसे कैसे करना है सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज छोटी मशीन के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, ये हमारे पास मशीन है, ये एक छोटी मशीन है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको तो आपको क्या करना है, एक इस तरीके का कप ले लेना है और उसके बाद एक ले लेना है ब्रश, ठीक है, दो चीजें आपके पास होना है जरूरी। तो ध्यान से देखें वीडियो को, कप थोड़ा साफ कर लें, उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये वाला ऑयल है तो ये वाला ऑयल थोड़ा ले लेना है और ये वाला एक पेचकस ले लेना है। तो हमें क्या करना है जो कि हमारी मशीन कभी खराब ही ना हो, तो इसी के लिए हमने वीडियो बनाया, तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को देख ले, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही काम का। तो चलिए इन पार्ट्सों को अलग निकाल लेते हैं, इसे भी खोलकर अलग कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से इसे खोलें, अगर आपकी मशीन न्यू मशीन है या पुरानी मशीन है, जैसी भी मशीन है, बस ये काम करते रहें तो आपकी मशीन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसे ओपन कर लेते हैं, इस चीज़ खोल लें, देखें ध्यान से, पहले कंडीशन देख लें इसकी, क्या कंडीशन इसकी है, इसकी वजह से हमारी मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से हमारी मशीन में सिलाई अगर कपड़ा फेंकना, मतलब कपड़ा अच्छे से बाहर नहीं आने की फेंकती होगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इस पेंच को खोल कर और इसे निकाल कर बाहर कर लें, इस तरीके से इसे निकाल कर बाहर कर लिया। तो आपको क्या करना है, अब इस तरीके का ब्रश ले लेना है, ब्रश से आपको कोलगेट का, ये कमाल है, ठीक है, चाहे कोलगेट का कमाल समझें या कुछ भी समझें, कोलगेट वाला ही हमारे पास ब्रश है, आपका कोई भी ब्रश हो, ठीक है, बस इस तरीके से आपको सबसे पहले इस तरीके से साफ कर लेना है। अगर आपकी मशीन कपड़ा आगे अच्छे से नहीं फेंक रही है, चाल की प्रॉब्लम है, चाल सही नहीं है, तो आपको ये काम जरूर कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से इसे कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से ऑयल ले लें, ऑयल लेकर और इसमें डाल लें, ठीक, मशीन में कप में डाल लेते हैं, ठीक है, ऑयल। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ऑयल को हमने डाल लिया है, देखे ध्यान से ये ऑयल हमारा पड़ गया है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा ऑयल ले लें और इस तरीके से इसे साफ कर लें, ठीक। तो क्या होगा कि हमारे दांत एकदम बढ़िया हो जाएंगे, तो इससे हमारी कपड़ा फेंकने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, यानी कि अच्छे से कपड़ा आगे बगाएगी, थोड़ी भी चाल खोलेंगे तब भी हमारी अच्छे से चाल आगे बढ़ेगी। तो चलिए ये तो काम यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगर आपकी मशीन तेज तेज आवाज कर रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ आवाज के साथ साथ मतलब अच्छी नहीं चल रही, ठीक, कुल मिलाकर धागा काट रही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये चीज खोल लेनी है, ठीक है, इस तरीके से इसे खोल लें, इसे खोल लेते हैं। अगर आपकी मशीन नीचे की सिलाई खराब दे रही है या ऊपर की सिलाई खराब दे रही है, कोई भी प्रॉब्लम दे रही है, तो आप इस तरीके से इसे खोल लें। इतना काम अगर करते रहेंगे तो फिर आपकी मशीन में आजीवन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक, इस तरीके से पहले इसे निकाल लें, डिब्बी को इस तरीके से निकाल लें, ठीक है, उसके बाद, तो चलिए इस तरीके से इसे निकाल लिया। अब यहाँ कंडीशन देख सकते हैं आप, कैसी कंडीशन है, इस कंडीशन से हमारी मशीन क्या सही चलेगी। इस तरीके से आपको इसे साफ कर लेना है। अगर आपकी मशीन तेज तेज आवाज कर रही है तो ध्यान रखें, ये वाली पत्ती होती है, ये पत्ती कट जाती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम देने लगती है हमारी मशीन। ध्यान से देखें कौन सी पत्ती के बारे में बात कर रहे हैं, ये पत्ती देखें ध्यान से, ये पत्ती अभी इस तरीके से लगी है और ये हमारी शटल में टकराती है, ठीक है, शटल में टकराती है, यहाँ पर ये पत्ती टकराया करती है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली पत्ती यहाँ पर टकराती है। तो अगर ये कटी हुई पत्ती है तब तो हमारी तेज आवाज करेगी, कटी नहीं है तो इस तरीके से मूव करती रहेगी, ठीक, इस तरीके से मूव करती रहेगी और हमारी आवाज मशीन नहीं करेगी, तो इसी वजह से ये वाली लगाई जाती है पत्ती, इससे हमारी मशीन धागा भी नहीं काटती है। तो इस तरीके से इसे कर लें। अब हमें क्या करना है, जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को इस तरीके से खोल लें, ठीक, देखें ध्यान से कितनी गंदगी इसमें लगी हुई है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाल खोलते ही नहीं है, ठीक है, काफी दिनों तक नाल नहीं खोलते, इसकी वजह से हमारी मशीन क्या तेज तेज आवाज भी करने लगती है, धागा भी तोड़ने लगती है। तो इस तरीके से आपको नाल को इस तरीके से ऐसे करके क्लीन कर लेना है, इस तरीके से क्लीन कर लें। उसके बाद इसमें ऑयल कौन सा लगाएंगे, ठीक, मेन चीज होती है ऑयल लगाना, ऑयल कौन सा लगाएंगे, इस तरीके से पहले क्लीन कर लें, फुल क्लीन कर लें एकदम, कोई भी गंदगी का नामो निशान ना रह जाए, इस तरीके से इसे क्लीन कर लिया। अब हमें क्या करना, ये वाला ऑयल हमने जो हमारे पास ऑयल है उसे इस तरीके से ले लें और इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लें। ध्यान दें वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, अगर आपकी कोई कमेंट है तो भैया कमेंट जरूर करें, ठीक है, क्योंकि कमेंट के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। तो इस तरीके से
तो इस तरीके से हमें कर लेना है। इस तरीके से ऑयल लेकर और इस तरीके से हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो इसमें अगर हमारी मशीन जाम भी चल रही होगी या टाइट चल रही होगी, यानी कि जाम या टाइट एक ही बात है, अगर टाइट चल रही होगी तो वो भी सही हो जाएगी। और उसके बाद अगर हमारी मशीन धागा काट रही होगी तो वो भी सही हो जाएगी, अगर धागा काट रही है तो। इस तरीके से क्या होता है, इसमें थोड़ा खरासी आ जाती है, इसकी वजह से हमारी मशीन धागा काटने लगती है। फिलहाल में ये सही है, इसमें धागा काटने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर प्रॉब्लम निडल में हो जाती है, निडल बदलने आपकी मशीन धागा काटना बंद कर देगी। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें, आप लोगों से अनुरोध है बिना कमेंट किए ना जाएं। तो चलिए इतना ऑयल यहाँ पर लग गया, अब हमें क्या करना है इसके बाद, चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। अब इस सिस्टम को लगा लेते हैं, ठीक है, सिस्टम को लगा लेते हैं और इसमें क्या चीज़ हमें लगानी है जो कि हमारी मशीन तेज तेज आवाज़ ना करे। अभी देख सकते हैं अभी अभी आवाज़ कर रही है, हल्की हल्की कर रही है, लेकिन इसमें हमें कौन सा ऑयल लगाना है जो मेन ऑयल है वो हम आपको बताते हैं। एक तो हमारे पास ये वाला ऑयल होना चाहिए, ये कौन सा ऑयल है, नारियल तेल है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ग्रीस भी लगानी है, ठीक है। ग्रीस कौन सी होती है चलिए वो भी बताते हैं आपको। तो चलिए इसकी ग्रीस हम आपको दिखाते हैं, इसकी ग्रीस हमारे पास मौजूद है और हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो ये हमारी पास इसकी ग्रीस है, ठीक है, ये है वैसलीन पेट्रोलियम जली, ठीक है। तो यही इसकी ग्रीस है और इसे लगाने से हमारी मशीन आवाज़ भी नहीं करेगी और धागा भी नहीं तोड़ेगी, ठीक। ध्यान रखें कैसे लगाना है, इस तरीके से यहाँ पर भर दें, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर रख दें, बस यहाँ पर रख दें, समझ लो आपकी ग्रीस पूरे फुल मशीन में लग जाएगी, ठीक। थोड़ा फिर ले लें, इस तरीके से ले लें और इस तरीके से ग्रीस को लगा दें, इस तरीके से ग्रीस को लगा दें, तो समझ लो आपकी मशीन धागा तोड़ने की प्रॉब्लम भी नहीं देगी। तो चलिए इस तरीके से देख सकते हैं आवाज़ बिल्कुल कम हो गई। अब हम चलिए इसे लगा देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारी मशीन ऊपर की सिलाई खराब दे रही है, नीचे की सिलाई खराब दे रही है, सभी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी और क्लीन आपको फुल मशीन कर लेनी, ठीक है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी यहाँ मेन मेन जगह पर हमने आपको करके दिखा दिया है। उसके बाद आपको टापा भी ऊपर वाला खोल के और यहाँ पर भी कर लेना। तो चलिए यहाँ पर भी करके दिखा देंगे, फिर भी चलिए इस तरीके से इसे बंद कर देते हैं। अगर आप लोगों की कोई कमेंट है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें, आप लोगों से अनुरोध है कमेंट करें और बताएं आपकी समस्या क्या है। तो चलिए ये तो हमारी सही से लग गई है। तो चलिए अब यहाँ टापा इसका भी खोल के दिखा देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें बस इसमें क्या है, हमें यहीं पर क्लीन कर लेना है और कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ पर हमें क्लीन कर लेना है ऑयल लेके, हमने आपको बताया था ये वाला ऑयल लेके क्लीन कर लें और इसमें कुछ नया नहीं करना है। बस इस तरीके से ऑयल ले लिया, इस तरीके से क्लीन कर लें, देख सकते हैं कितनी गंदगी लगी हुई है। तो इससे क्या होगा, हमारी मशीन अगर भारी चल रही है तो वो एकदम नरम चलने लगेगी, एकदम अच्छी बढ़िया चलने लगेगी। तो इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। उसके बाद इसमें जो ऑयल लगाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ऑयल कौन सा लगाएंगे, हमने आपको दिखाया था अभी नारियल वाला ऑयल आप लगा सकते हैं, इससे हमारी मशीन अच्छी चलती है, बेहतर चलेगी। तो चलिए इतना करने के बाद इसे इसमें ऑयल ये वाला लगा दें। तो इसमें ऑयल लगा दें, नारियल तेल इस तरीके से लगा लेते हैं। तो इससे हमारी मशीन कभी खराब होने की का चांस खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं कितनी मस्त चल रही है, कितनी बढ़िया चल रही है। तो चलिए इसे अब क्लोज कर लेते हैं, फिर मशीन चलाकर आपको दिखाते हैं। एक काम और कर लेना है, ठीक है, जो सबसे खास है, अगर हमारी मशीन नीचे की सिलाई खराब दे रही है तब हमें वो काम जरूर करना है। कौन सा काम करना है, तो चलिए इसे बंद कर लेते हैं। वो काम है हमारा ये, ध्यान से देखें थोड़ा, इस चीज को जरूर सेट करना है। अगर इस चीज को सेट नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। तो इस चीज को ध्यान से देखें, इस चीज को एक बार क्लीन जरूर कर लें, इस चीज को इस तरीके से निकाल कर ध्यान से देख ले, इसमें कोई गडरा वगैरह अगर पड़ गए या गड्ढे नुमा हो गए हैं तो उसे इस तरीके से इस सिस्टम को घुमाकर और सेट कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से इसे भी एक बार क्लीन जरूर कर लें। तो थोड़ा ऑयल ले लें, इस तरीके से क्लीन कर लें और
इस चीज को जरूर क्लीन कर लें। ठीक, ये चीजें हमारे के लिए सबसे खास है, मशीन के सबसे बेस्ट पार्ट है। ठीक है, इनसे क्या होगा कि हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी और उसके साथ साथ नीचे की सिलाई खराब नहीं देगी। तो इस तरीके से इन चीजों को जरूर क्लीन कर लें। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है लेकिन आप लोगों ने धैर्य पूर्वक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, आपने लाइक भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा मोटिवेशनल सातवें आसमान पर हो जाता है। तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो प्लाई बोर्ड या लकड़ी का कोई चीज ऐसा, मतलब लकड़ी या फर्श पर इस तरीके से एक बार जरूर रगड़ लें, देख सकते हैं एकदम क्लीन जे हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारी मशीन का धागा बिल्कुल नीचे सही जाएगा, एकदम बैलेंस में जाएगा। तो फिर हमारी मशीन नीचे की सिलाई भी खराब नहीं देगी, ना ऊपर की सिलाई खराब देगी। तो इस तरीके से इसे क्लीन कर लें। ठीक, इतना करने के बाद इसे लगा लें, इसका काम तो हो गया। तो चलिए इस तरीके से इसे लगा लेते हैं और इसे बिल्कुल पैक कर देते हैं। तो चलिए मशीन को चेक करके दिखाते हैं मशीन हमारी कैसी चल रही है। तो चलिए धागा इस तरीके से लगा लें, इस तरीके से इसमें डाल दें धागा। अभी आपकी कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। बॉबिन केस को कैसे लगाएं उसे भी देखें ध्यान से, थोड़ा इस तरीके से ऐसे करके लगा लेते हैं और चट से बोल जाए एक बार तो समझ लो आपका बॉबिन केस सही से लग गया। तो चलिए ऊपर का धागा डाल लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देखें, हमने धागा वगैरह डाल दिया। तो चलिए अब चेक करके देखते हैं कि मशीन कैसी चल रही है। मशीन अच्छी चलेगी और क्योंकि इतने अच्छे तरीके से ठीक की है तो सही चलेगी। ध्यान रखें अगर आपकी मशीन धागा काट रही है तो इस चीज का विशेष ध्यान दें कि ये जो प्रेशर फोटो है हमारी सुई से लड़े ना। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा हल्का तो घुमा लेना है तो हमारी सुई से लड़ेगा नहीं प्रेशर फोटो, तो हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। तो इस तरीके से चलाते हैं, देखें ध्यान से थोड़ा, चलिए पास से और देख लें थोड़ा कैसी मशीन चल रही है। सारा कुछ हमने सिस्टम खोल खाल के एकदम ओके कर दिया है, देख सकते हैं नीचे की सिलाई देखें एकदम मस्त है। ठीक है, ऊपर की सिलाई भी सही दे रही है। चलिए थोड़ा अच्छा स्पीड बढ़ा दें इसकी। तो देखें ध्यान से, देख सकते हैं सिलाई भी एकदम बेहतरीन दे रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई कमेंट है तो प्लीज भैया कमेंट जरूर करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और बस आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें मेरा। नेक्स्ट वीडियो फिर कल आएगा और आप लोग लाइक करके रखें चैनल को, तो चलिए सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।